बीएमओ ऑफिस के स्थानांतरण को लेकर सटाई की जनता अब सड़कों पर उतर आई है। दरअसल मामला बीएमओ ऑफिस के स्थानांतरण को लेकर उठा है, जहां सोशल मीडिया पर सपा विधायक के समर्थक इसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, जिसको लेकर सटाई के लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीओपी सीताराम को ज्ञापन सौंपा है। इस समय बिजावर विधानसभा में अलग अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, तो वहीं कांग्रेस जिला सेवादल अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि अगर सटाई के साथ सौतेला व्यवहार किया गया तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ के गणमान्य व्यक्ति ने और जनता ने ज्ञापन दिया है, सटाई में संचालित बीएमओ कार्यालय है उसका स्थानांतरण बिजावर कर दिया गया है। इसके खिलाफ में ये ज्ञापन हमें कलेक्टर साहब के नाम से सौंपा गया है, जिसे हम सम्मानपूर्वक कलेक्टर साहब विधि अनुसार कार्रवाई करने की पहुँचाएंगे। आम जनता के द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है, पुलिस प्रशासन किस तरह से देखता है? पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, समझाइश भी देंगे, ये शासन स्तर का काम है। शासन जो भी आदेश करेगा वो जनता तक पहुँचाएंगे, जनता को जो करना है उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमारा करने का काम है। ये जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है यहाँ से पीएससी बीएमओ कार्यालय ले जाने का, इसके संबंध में जनता की मांग है कि ये ज्यों का त्यों सटाई में ही बना रहे। इसके लिए जो भी कदम होगा जनता उठाने को तैयार है, ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। किसने जारी किया तुगलकी फरमान? ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जारी किया है। किसके निर्देश पे? ये निर्देश हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा सुनने में आया पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे माननीय विधायक जी इस बात को बिजावर ले जाना चाहते हैं। क्या मानते हैं आप लोग, सटाई के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? यह सटाई के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, यह सटाई की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।